अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। क्या है अल्पसंख्यकों के ऊपर, क्या मुसलमान भाइयों के द्वारा ही बच्चे ज्यादा पैदा किए जा रहे हैं, क्या हिंदुओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है? ये खासकर धर्म के आधार पर किसी पर आरोप लगाना ये दुर्भाग्य की बात है। जनसंख्या बढ़ी है, उस पर कंट्रोल होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए, इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, सभी धर्म के लोग होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर के मुसलमानों पर इशारा करके गिरिराज सिंह यह बात करके सुर्खियों बने रहने की उनकी आदत है। क्या लगता है कि जनसंख्या देखिए, सबसे पहली बात तो है कि शिक्षा के घनघोर अभाव रहने के कारण ही जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोच पाती हैं, क्योंकि गरीबी उसका मेन कारण है। उनको समझ में नहीं आ रही है कि जितने ज़्यादा बच्चा हम पैदा करेंगे, संख्या भले बढ़ सकती है, लेकिन आने वाला जो हमारा भविष्य है, बच्चे हैं, उनका अंधकार जीवन हो रहा है, उनका पोषण का कुपोषण के शिकार बच्चे हो रहे हैं, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, उन्हें शिक्षा की व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, अपढ़ होंगे, तो उसमें गरीबी होगी, भूखमरी होगी, बेकारी होगी, और जब बेकार होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत का निर्माण में उनका योगदान एक पढ़े लिखे के रूप में नहीं, एक मजदूर के रूप में हो सकता है, लेकिन समाज में शिक्षा की घनघोर मतलब कमी है गरीबों के बीच में, और यही कारण कि हमारी माताएं बहनें नहीं समझ पाती हैं और बच्चे जन्म ले रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह के द्वारा ये आरोप लगाना मुसलमानों के बारे में, तो गणना करा लें कि हिंदुओं क्या 7-8 बच्चे नहीं हैं, केवल मुसलमानों के पास में है। आप देखिए, जहाँ गरीबी है वहीं ज़्यादा बच्चा पैदा हो रहे हैं, चाहे किसी धर्म का। जो केंद्र और बिहार की सरकार केवल सत्ता का लोलुप है, ये लोग शिक्षा कहाँ जाएगी, बच्चों को मिले शिक्षा मिले या ना मिले, किसानों के समय पर उनको ऋण का व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था मिले या ना मिले, इसकी चिंता क्या है? हमारे बेरोजगार लड़के हैं, वो बेकार बैठे हैं, उसकी चिंता कहाँ सरकार के पास में है? केवल कुछ बात कह करके सुर्खियों बनाए रहने के लोग अपना है चल रहा है। गिरिराज सिंह तो विवादित व्यक्ति हैं, उनको न राष्ट्र की एकता और अखंडता से मतलब है, अपनी कुर्सी चिपका करके बड़ा बड़ा टिक कर करके बड़का भारी हिंदू को बने हुए हैं प्रवक्ता। अरे हम लोग भी हिंदू हैं, ऐसा थोड़ी है कि हिंदू तो और हिंदू के बारे में हम लोग नहीं जानते, उनसे ज़्यादा हम लोग हिंदू हैं। लेकिन देश में सबों का समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, चाहे किसी धर्म का, किसी जाति का हो। वो खाली हुआ करते हैं मुसलमान के खिलाफ बोल करके।